नमस्कार, मैं अक्षय आनंद और आप देख रहे हैं लाइव सिटीज डॉट इन। 31 जुलाई को एक बड़ा सड़क हादसा हुआ था जिसमें एक सफ़ेद स्कॉर्पियो ने महात्मा गांधी सेतु से गंगा में छलांग लगा दी थी। आज 14वें दिन भी उस स्कॉर्पियो का सर्च ऑपरेशन जारी है, लेकिन कोई भी सफलता हाथ नहीं लग पाई है। आपको बता दें कि 2 स्टेट्स की SDRF टीम और 1 स्टेट की NDRF टीम स्कॉर्पियो के छानबीन में जुटी है, लेकिन मौसम लगातार बिगड़ता जा रहा है। बारिश भी हो रही है, गंगा का जलस्तर भी बढ़ चुका है, फ्लो भी बढ़ गया है, जिस कारण सर्च ऑपरेशन में काफ़ी दिक्कतें आ रही हैं। आपको दिखाते हैं हम गंगा का वो नज़ारा कि किस तरह से लगातार अभी बारिश हो रही है और इस कारण आज का ये सर्च ऑपरेशन रोक दिया गया है। ये NDRF के जो बोट्स हैं, SDRF के बोट्स, ये अभी गाय घाट पर लगाए गए हैं। मतलब सारे जो कैंप जहाँ पर किया गया है गाय घाट पर, वहाँ पर टीम वापस लौट आई है, क्योंकि बारिश के कारण काफ़ी दिक्कतें हो रही हैं और सर्च में भी कोई सफलता नहीं मिल पा रही है। लगातार जो लेटेस्ट टेक्निक्स हैं उनका इस्तेमाल किया जा रहा था, जैसे कि सोनार का इस्तेमाल किया गया, इमेज ट्रैकिंग का इस्तेमाल किया गया, वाटर क्रेन भी लाया गया, लेकिन बावजूद उसके कोई सफलता नहीं मिली है। और आज 14वें दिन थोड़े देर सर्च ऑपरेशन चलाने के बाद बारिश शुरू हो गई है, जिस कारण जो NDRF के जवान थे वो वापस अपने कैंप में वापस आ गए हैं और इस सर्च ऑपरेशन को रोकना पड़ा है तब तक के लिए जब तक कि बारिश हो रही है। अपने सहयोगी प्रशांत के साथ अक्षय आनंद, लाइव सिटीज़, पटना।